और फातिमा रोटी पकानी है अभी तंदूर पे, वो आटा हमसे भी लेना ना, हमें भी पका देना उस पे तंदूर पे, ठीक है? कल वाली मोटी मान जड़ी पहले थी, लस्सी ऑलरेडी बन रही है। चलो ये टेंशन तो ख़त्म हुई है, बड़े ज़बरदस्त ताज़े और बड़े साइज के रसूल हैं। ये असल रोटी है तंदूर की, थिकनेस चेक करें और आह आह आह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं कामरान, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। यार मैं खैरियत से नहीं हूं क्योंकि शदीद गर्मी है, हवा चल रही है लेकिन इंतहा की गर्म। तो आज वैसे वेदर फोरकास्ट वालों ने बारिश तो बताई है, अल्लाह करे बारिश हो जाए तो काफ़ी सुकून हो जाएगा। आज शाम को देखते हैं, आज वैसे भी जुमा मुबारक, तो सबको जुमा की मुबारकबाद। तो अभी चलना है दही लेने के लिए, नाश्ता किया है लेकिन पराठा बना दिया था घर वालों ने, और पराठा इस गर्मी में और धूप पे खाने का दिल नहीं करता, तो मेरा भी मूड कर रहा है कि लस्सी के साथ तंदूर की रोटी हो तो वो खाऊं। तो अभी लेने जा रहा हूँ दही और वहाँ से लेने लसूड़े, क्योंकि अचार आप लोगों को पता है कि अम्मी ने बनाया था लसूड़े और मिर्च का, तो वो मज़े का बनाया तो जल्दी ख़त्म हो गया, ज़्यादा खाया है तो लसूड़े कम हो गए, तो लसूड़े लाने और दही। तो चलते हैं आप। Still a city, still so far from home. I've searched for you all my life. मंडी च बड़ियां नजर आ गए ने, इसने किसी टाइम चीज नहीं ना याद होनी, जेला बंदा देखना दस्ती याद आ जाए। लसूड़े तो कोई नहीं मिले जी, भाई जान कह रहे हैं कि लसूड़े मंडी में गया हूँ और नजर नहीं आए, तो कल मिलेंगे। तो चलें, अब अम्मी से थोड़ी सुननी पड़ेंगी क्योंकि परसों यहाँ पे पड़े हुए थे तो मैं नहीं लेके गया, अम्मी कह रही थी ले लो, तो मैंने कहा जी कल या परसों ले आएंगे, ताज़े लेंगे। चलें अम्मी से सुननी पड़ेंगी, थोड़ी बहुत सुन लेंगे और वहाँ से लेना है अब दही, और दही लेके फिर चलते हैं घर। सो यहाँ से लेते हैं दही और फिर चलते हैं, लस्सी ऑलरेडी बन रही है, मेरा मूड भी लस्सी का ही था और यहाँ पर रेडीमेड लस्सी है, ये भजन बना रहे हैं। क्या बात, तो ये देसी तरीका है जी दही को स्टॉक करने का। फ्रीजर चलता है ऑन है अभी, पूरा रात को ऑन था, ठंडा है, ठीक हो गया, बर्फ रखी हुई। दही तो मैंने ले लिया है, अब चलते हैं और यक सी लस्सी बना के पीते हैं। इन दिनों ये मेरे ज़िंदगी का साथी है क्योंकि इसके बगैर आजकल गुजारा नहीं है, तकलीफ़ दे धूप है और तकलीफ़ दे गर्मी है, तो ये है तो इससे काफ़ी अफाका हो जाता है। तो ये है जी अचार पहले का, ये फुल डिब्बा भरा हुआ था और अब ये रह गए अचार। तो अम्मी कह रही हैं कि लसूड़ों का सीज़न, क्योंकि 10 से 15 दिन या 20 दिन होता है, उसके बाद वो येलो हो जाते हैं तो वो मीठे हो जाते हैं, तो वो फिर अचार के काबिल नहीं रहते, तो कह रहे हैं कि 2 किलो और ले आओ, तो ये और बना के रख देंगे ताकि 2-4 माह हमारा अचार चल जाए। मेरी बुग्गी क्या कर रही है? ये गर्मी का लिबास है जी हरियाणा साहब का। अब एक और शॉप का पता चला है, अम्मी ने पता करवाया है, गाँव में शॉप है, गाँव की भाई हैं उनके, तो पता चला है कि उनके पास लसूड़े हैं, तो अभी चलते हैं। इस वीडियो में लसूड़े का रोला पड़ा रहेगा, आगे वीडियो क्या बननी है। सो लसूड़े मिल गए हैं जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें ये टेंशन तो ख़त्म हुई है, बड़े ज़बरदस्त ताज़े और बड़े साइज के लसूड़े, तो चलें इन भाई से लेते हैं लसूड़े और फिर चलते हैं। नज़ाकत भाई क्या रेट है जी लसूड़े का? नज़ाकत भाई मस्ती ना करें सर कोई,
ਕੀ ਨਹੀਂ ਵਾਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੁਆ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਜੇ ਸੋ ਸੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਾ ਵਾਓ ਭਾਈਏ ਜੀ ਸੂੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋ ਕਿਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਭਾਈ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਾਤੇ ਜੀ ਦੋ ਕਿਲੋ चलो जी ये परेशानी तो हल हो गई है अब रह गई है परेशानी मिर्चों की तो मिर्चें जो है वो कल और भाई कह रहे हैं जी मैं ले आऊँगा रोड में और ये भी कह रहे हैं ले आऊँगा तो कल ले जाएंगे जो बिस्ती प्रोग्राम होना था उससे अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी बचत ले जी अमील सूड़े बल्कि हमारा ही है क्योंकि खाते हम ही हैं ज़्यादा वो तंदूर की रोटी का कोई बंदोबस्त करते हैं और फिर बनाते हैं लस्सी फातिमा रोटी पकानी है अभी तंदूर पे हाँ। वो आटा हमसे भी लेना ना हमें भी पका देना उस पे तंदूर पे ठीक है जब डालोगे बताना ये ज़रा शॉर्टकट वे है ये साथ किराएदार है और यहाँ पे मैंने दीवार में सुराख किया हुआ है कोई बातचीत करनी हो तो चलें यार ज़रा कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है तो ये जब अपने लिए तंदूर गर्म करेंगे तो हमें भी रोटी साथ पका देंगे क्योंकि हमारे पास तो तंदूर नहीं है और लस्सी भी तभी बनाऊँ मेरा वैसे अभी मूड कर रहा था बट रोटी के साथ तंदूर की रोटी के साथ लस्सी और चटनी माशाल्लाह जी माशाल्लाह ज़बरदस्त क्या बात है ज़बरदस्त माशाल्लाह ये असल रोटी है तंदूर की थिकनेस चेक करें और आह 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 कुछ की बात यह है कि जुमे का टाइम हो गया तो जुमा पहले पढ़ते हैं क्योंकि रोटी तो खा ही लेंगे यार पूरा दिन पड़ा है जुमे के लिए सिर्फ एक घंटा होता है आधा घंटा तो पहले पढ़ते हैं जुमा उसके बाद आके बनाते हैं लस्सी और फिर खाते हैं खाना औलाद सामने आ जाती है माँ बाप सामने आ जाते हैं हमें रोजी रोटी का मसला सामने आ जाता है उस वक्त हमें वो मोहब्बत भूल जाती है कोई बंदा भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी जान से भी बढ़कर माल औलाद को अपनी जगह पर ना जान से भी बढ़कर हुजूर को अपना माबूद में पढ़ ली है और अब चलते हैं घर और बनाते हैं लस्सी अम्मी को तो लस्सी पसंद है जी नमक वाली और वाइफ को भी और मुझे पसंद है चीनी वाली अम्मी ने और वाइफ ने अपने लिए दही निकाल ली है वो बनाएंगी लस्सी नमक वाली नमकीन लस्सी और मैं बनाऊंगा अपने लिए मीठी लस्सी एक गिलास नमकीन मुझे भी पसंद है बट मीठी आज मैंने एक जगह से पिया तो सुबह से ज़ुबान पर मीठी लस्सी का टेस्ट आया हुआ है तो मैं बनाने लगूँ अपने लिए मीठी चटनी लस्सी तंदूर की रोटी और ये आ गया जी हमारा अचार सब्ज़ मिर्च माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है और सूड़ा क्या कर रहे हो कशाने लिए आप क्या कर रहे हो कशान टाइगर आ गया
माय गॉड वेरी डेंजरस टाइगर। उई